सच में तूफान आ गया अचानक से, है ना? नवरात्रि में आज पता नहीं आज नहीं जा ओम, हमारे ऊपर से क्लाउड जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें कहाँ पे है? बोलते हैं राम राम सीताराम सबको, इसको हम सांप की मौसी बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। हाँ, जो लोगों को पता होगा वो बोलेंगे। सांप की मौसी मतलब सांप की आंटी बोलते हो उसको। मतलब वो सांप जैसी दिखती है लेकिन सांप नहीं है। वो भागेगी अभी बहुत तेज। ये बहुत ही सिल्की होती है। लेकिन इसके पैर होते हैं। ये थोड़ी सी लिजर्ड फैमिली जैसी लग रही है। इसका कलर गायें सारी बाहर है तो सब गायों को अंदर लेते हैं। कौन चाहिए? सब बच्चों आ जाओ। राधा तो रेडी है सबसे पहले आने के लिए। सी जो राधा आवे, जो राधा ने क्या क्या हाल सी बरे के हाल कहते जो आवे। हाँ जो राधा आवे, राधा सब अपनी अपनी जगह पे चलो। आपा को रोंग जगह पे जाना होता है। तुलसी और आपा दोनों ऐसी है। तुलसी वहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी दूध निकालने के टाइम सिर्फ चार को लेते हैं, तो अब तुलसी को यहाँ पे लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको अब चलो वो शिव से मिलने आ रही है। चलो साधु नहीं कर सकता कोई। चलो बाकी सब गाय लग गई है खाने में। शिव यहाँ पे भी सब लग गई है खाने में। तुलसी को तुमने देखा बहुत जल्दी हो गई है। और फिर वापस प्रेग्नेंट भी है तुलसी, बहुत बहुत पतली है। चलो बंसी। हाँ अबा, ये तुलसी, ये राधा मीरा, राधा गोपी गंगा। हाँ बसी गंगा, ये टीलू ने मीरा। हाँ हाँ खाई खाई। हाँ कौन है? वेगर ने गोरल गोरल कहता थी। स्प्रिंकल चल रहे हैं अभी। आई होप कि ये आखिरी स्प्रिंकल है मूंगफली के लिए, और इसके बाद अगर देने पड़े तो वो होंगे इसको निकालने के लिए। ताकि हम क्या करते हैं कि मूंगफली निकालने से पहले 15 मिनट स्प्रिंकल रख देते एक जगह पे, फिर दूसरी जगह चेंज करते तो ज़मीन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो मिट्टी कम आती है मूँगफली के साथ। अभी इस बार तो मिट्टी शायद आएगी क्योंकि बहुत हैवी बारिश हुई है उसकी वजह से, और मूँगफली का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है हमारे इधर तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान ज़्यादा है, लेकिन जितना भी हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारी जो मोटर है ये कुएं की, उसकी ये जो अंदर का जॉइंट होता है केबल का, वो टूट गया था जो कि रहता है पानी में कुएं के अंदर, तो यहाँ पे पंचर हुआ था। अभी इसको रीजॉइंट करेंगे और मोटर फिर ऑन होगी इसके बाद। यहाँ पे ये कलर कलर का जॉइंट होगा, तीन वायर होते हैं, तो ये करके इसको वाटरप्रूफ जो टेप होती है वो करनी पड़ेगी, फिर ये जो नॉर्मल टेप होती है उससे करेंगे। और ये रखना पड़ता है क्योंकि अगर मोटर को ख़राब होगी तो यहाँ से केबल मतलब इसको निकाल के मोटर को लेके जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक जॉइंट रखते हैं। मीमान आयो, कौन आयो? मीमान मीमान सीताराम सीताराम कहते हैं। हाँ खबानी खाओ हाँ खाओ
खाऊं काम खाऊं तारे कहीं बस तब भाई अभी गायों का दूध निकाल के आ रहे सी तारे पीऊ देता हुआ था जग डोल रहे थे मुई हेलो भाई सी दूध सी दूध पिया ले दूध थोड़ा दूध पी तो जा अभी अचानक से पूरा बारिश जैसा एटमॉस्फेयर हो गया है हेलो 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 ये ठंड है अभी अचानक से जोरदार हवा स्टार्ट हुई है और लग रहा है कि इस साइड से बारिश आएगी हम पकड़ो एक मिनट फिर पता चलेगा कि कितनी हवा चल रही है और आज माइक का भी पता चलेगा क्योंकि बहुत हवा चल रही है हाँ बच्चों बारिश आने वाली है बच्चों राधा मीरा नहीं वो मस्ती कर रहे हैं जैसे ही बारिश आएगी ना गायों को मस्ती करनी होती है देख वो आवाज़ है वो हमारे जो बनियन ट्री है ना वो हिल रहा है पूरा तो उसके पत्तों की आवाज़ है ओम बारिश आ रही है इस साइड से बारिश आ रही है देखो ओम मेरा माइक भीग जाएगा बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है बहुत ज़ोर से हवा चल रही है अभी ओम तो उड़ मत जाना ओम तो उड़ मत जाना शिव तो उड़ भी गया हाँ अच्छा हुआ शिव को छोड़ के आए कितनी हवा चल रही है ना आ जाओ सब ओम बारिश आ रही है नहीं लगता इसका नॉइज इंजेक्शन कुछ काम कर रहा होगा हवा भी चलेगा बहुत ज्यादा हवा चल रही है बहुत ज्यादा इसके लिए ही होता है लेकिन इतने सारे विंड के लिए नहीं होता हाँ सही है सब गायों को अंदर जाना है चलो अंदर ले ओम उड़ मत जाना सच में तूफान आ गया अचानक से है ना नवरात्रि में आज पता नहीं आज नहीं जा ओम हमारे ऊपर से क्लाउड जा रहा है दिख रहा है तुम्हें कहाँ पे है देखो हमारा क्लाउड वहाँ पे हाँ देखो देखो पूरा हमारे घर के ऊपर है ये क्लाउड है ना जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये पूरा इस साइड से जा रहा है अब मनु देखो वहाँ पे छुप गया है कितनी हवा है वो पता चल रहा है वो भी होपफुली आज कुछ नवरात्रि में प्रॉब्लम ना हो मतलब आज तो हम नहीं जाने वाले वैसे भी लेकिन वहाँ पे जो भी पूरा बंधा हुआ है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की होगी उसमें नुकसान हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हवा आती है तो क्या होता है उसकी वजह से कुछ गिर सकता है बहुत ज़्यादा हैवी विंड की वजह से अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं भगवदर में आया हूँ कुछ काम था कुछ लेना था कोड़ी के लिए गुड़ लेना था तो यहाँ पे और घर पे भी मैंने भारती का पूछा तो बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे और ये सारे ट्रीज आप देख सकते हो नीम के ट्रीज है अच्छे अच्छे तो सारे हिल रहे हैं अभी लास्ट दो दिन से यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे गर्मी एकदम थी और बिल्कुल हवा नहीं थी मतलब सांस लेने के लिए भी कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था तीन चार दिन से ये हो रहा था और इसकी वजह से फिर अभी ये बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश आए ऐसा लग रहा है बारिश तो शायद नहीं आएगी लेकिन तेज हवा बहुत चल रही है तो घर पे भी वैसे ही है और कुछ प्रार्थी को आज नाश्ता बोल रही थी तो कुछ लेके जा रहा हूँ पाव भाजी वगैरह काढ़ा ठंडो हो गया गंगा क्यों मार रही है उसको बारिश कहीं दूर दूर है हमारे यहाँ तो अभी बारिश नहीं है लेकिन दूर दूर कहीं बारिश है इग्नोर हो कि फाइट ना अदल तू शिव आ गया अभी यहाँ पे काम करने के लिए ग्रास निकालने के लिए तारे जाओ ही का काम कर लिए माँ ओ फट हाँ चट चट करवा मन हाँ चट चट ऊपर बम लो मैं अभी हेलो हेलो चट चट काम कर लिए काम काम आ बन कर
सिव काम कर खड़ ऊपर ये काम करिए काम करिए सिव सिव तू काम कर काम करिए काम कर काम में न दिन हो जाए आ पछि काम न आगोथे जाए हेलो काम करिए मां दिक्रो आओ पर चट चट मां दिक्रो त खड़ ऊपर मारो मोती रता काम न सोखिन छे हे किनको हे ओका कहाँ रखवानी है सिव गाड़ी कहाँ पे रखनी है गाड़ी चार्जिंग में रखवानी है चार्जिंग में रखवानी है तो काम करो करते हो काम काम करो खड़ ऊपर ये काम करो अभी हमारा कर का घर बस स्टार्ट सिव हेलो हेलो ओम के पास खेलना चल बस ओम शिव की तो नहीं पढ़ कैसे मम्मी ने हंसना स्टार्ट कर दिया जैसे पापा ने खेलना स्टार्ट किया जबरदस्ती सबको खिया बोल रहा है कि खेलो चलो पापा थोड़े से गर्भ ऐसे खेले थे हमारी शादी के टाइम यूटी हेलो शिव और ओम और मैं सब लोग आए हैं गांव में और ये हमारा चोरा राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे बहुत ही पुराना और यहाँ पे हमारा पूरा बचपन बीता है यहीं पे खेलते रहते थे नवरात्रि में जो भी मतलब फेस्टिवल हो क्योंकि उस टाइम पे बाहर नहीं लेके जाने वाला था कोई तो बच्चों को यहीं पे खेलना होता था गांव गांव में मतलब अपने अपने गांव में अभी ना आजकल हमें रेडी होने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता शिव को 9 बजे सुलाते हैं ये अच्छा है जल्दी जल्दी दौड़े मैंने बहुत सालों से मेहनत की है भारती जल्दी रेडी नहीं होती लेकिन अभी मेरा काम शिव कर रहा है क्योंकि शिव बहुत जल्दी रेडी कर देता है मेरे पास ही सोता है तो अभी सो गया है जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं नवरात्रि में और दूसरी अच्छी बात आज वैसे हम नहीं जाने वाले थे अब नवरात्रि में नहीं जाना था लेकिन आज शांति बहन आ रहे तो फिर हमने प्लान किया कि जाते थोड़ा बहुत मन था जाने का लेकिन फिर भी नहीं जाते फोन कर लिया फिर हो गया वापस फाइनल डिसीजन जाने का जाए बाबा तो अभी जाते Thank you.
पे यहाँ पे हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक कुत्ता हमारा और एक पीछे हमारा बिल्ला। और इस टाइम पे बाहु होता ना तो दरवाजे पे पहुँच के बाहु 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 करता रहता है, और बाहु आजकल बहुत मिस हो रहा है। और आगे जाके तुम्हारी कंप्लेन होने वाली कि मैं कहीं पे जाने वाला हूँ नहीं, नो नवरात्रि नो जन्माष्टमी कहीं पे भी जाने वाला हूँ नहीं। वैसे नहीं, मेरे मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है तुम्हारे लिए लाइफ टाइम। ठीक है ठीक है फिर, ठीक नो कंप्लेंट्स, मैं ऐसे ही घर पे रहूंगा। बस घर पे रहो हमारे साथ बस। आज ना सी उठे उससे पहले ही हम लोग आ गए, और ये है हमारे कैमरामैन राजू भाई, राजवीर राजशाखा, और बहुत अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं। क्रेडिट कभी कभी देते हैं लेकिन ऑलवेज होते हैं वीडियो में साथ साथ। और देवी है तो क्या है, अभी जब तक ये ससुराल चली जाएगी एक दो साल यहाँ पे है तो मैं इसके साथ एंजॉय कर लूँ, फिर मैं मुझे मिस होगा क्योंकि पहले काजल थी, अभी काजल चली गई है तो सिर्फ देवी है मेरी एक ननंद यहाँ पे। शांति बहन थे आज तो, लेकिन मज़ा आया, थोड़ी देर रहे, ज़्यादा देर नहीं रहे। आज से उठा उससे पहले ही आ गया क्योंकि कल से उठा 11 बजे आए, फिर वो तीन ढाई तीन बजे सोया, दो हाँ दो बजे ऑलमोस्ट। हाँ तो कालो ठंडो तो भूलेगा तो मिले से नो के दुन कालून।